गाड़ी निकल रही है पत्तियों के पास, देखा तुमने? हे नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इधर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डेसनोडी। दोस्तों सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को बता दो यार कि अभी हाल ही में जो वीडियो आ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। पूरे रियल लोकेशन में विजिट कर रहे हैं, कैमरे के पीछे पंकज भाई है। तो भैया आज का मौसम इतना तगड़ा है कि क्या बताएं, मतलब पूरा धुंधार जैसा ऐसा हो रहा है कि हमारा कैमरा और लाइट भी ना सही प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा है और पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। शुरू से आखिर तक भैया रात की 1 बजे है, कुछ कुछ वाहन आपको हो सकता है चलते हुए दिख जाए, लेकिन हाल फिलहाल तो अभी हम जब से आए जब से कुछ भी नहीं दिखा है। तो भाई इस टाइप से लोकेशन है और ये घर जो आपको हर बार मैं इस घर को आपको दिखाया हूँ मोस्ट वॉन्टेड में इस घर का नाम भी आता है, जहाँ पे ब्लॉगर लोग भैया आने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और मैं देखूंगा इसको कि यहाँ पे क्या चीज़ है भाई, क्योंकि पिछले टाइम मैंने यहाँ पे बहुत भयानक चीज़ देखी थी और वापस मैं चाहता हूँ कि वापस हम उसको कैप्चर करने में सफल हो जाए। तो कैमरे के पीछे पंकज भाई, तो पंकज भाई और हम दोनों विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं सब चीज़। चल पंकज भाई, अरे हाँ यार भाई, पूरा सुनसान एरिया है आसपास का यार। कुछ नहीं भाई, आसपास का ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब ढूंढना ढूंढना इसका, देखो हवा से हो रहा होगा भाई, हवा चल रही है ना। हवा तो चल नहीं रही भाई, जितना ये मूवमेंट दे रहा है। भैया अभी आवाज आई ना किसी? मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है भाई। क्या सबसे फर्स्ट भाई, तू कैमरा इधर ही लिया तो ज्यादा बेहतर है। हाँ यार भाई, पूरा घास वास पूरा कचरा कचरा है इधर, कुछ भी हो सकता है इसमें भाई। ना अलर्ट रहना है, यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज है भाई। पता क्यों? क्यों भाई? कहते हैं दोस्तों ना, यहाँ पे इस रोड पे इतनी, सुना तूने आवाज आई भाई हल्की सी? तो कहते हैं ना कि इस रोड पे ना काफी लोगों के एक्सीडेंट हो गए हैं, और एक्सीडेंट भी ना इतने इसी एरिया में होते हैं, इतनी सी जगह में होते हैं। तो लोगों को कहना है भाई कि वो जितने भी जो भी मरते हैं ना, वो सबकी आत्मा यहीं पे अभी भी भटक रही है इस टाइप से, गांव वालों का कहना है। अब ये तो पता नहीं भाई, पर हम फिलहाल के लिए जिस जगह पे जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। पंकज भाई, हवा कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है क्या आज? मुझे भी लग रहा कुछ है उस साइड। यार उस साइड तो तेरी बात तो मान लेते हैं कि कुछ है, लेकिन समस्या दूसरी भाई। क्या समस्या? ये है कि ये हवा है, क्या हो रहा है यार? मैं बोल तो रहा हूँ कुछ ज्यादा हवा चल रही है भाई। हाँ यार, सब मूवमेंट ज्यादा ही कर रहे हैं। हो क्या रहा है यार? तेरे कैमरे मारा है? हो रहा है बिल्कुल यार। ये देख ऊपर देख, कोई साइन मिल रहा है इसे भाई, किसी के होने के साइन मिल रहे हैं यार। ये देख तू यार, दोस्तों ना रियल बता रहे भाई, हम दोनों की हालत ना इतनी खतरनाक हो रही है कि बस निकमन हो रहा है कि भग जाऊं यहाँ से। लेकिन आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं तो मैं इसको विजिट करता हूँ रात के टाइम ही। अच्छा पंकज, हम इसको इग्नोर करते हैं ना भाई? ये हवा तो चलती रहती है, लेकिन कुछ अजीब सा भी लग रहा है आइट साइड, जैसे कोई हमारे आसपास ही है यहाँ पे। देखो, मतलब जिस हिसाब में बढ़ रहा है ना,
कहीं से आ रहा है ना अपने पास पंकज भाई? बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास आता जा रहा है धीरे धीरे, और हवा की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। भाई उधर तो देख। ओ बे हो यार भाई, संभल के यार, कुछ भी हो सकता है। भाई ताला लगा हुआ यार, मतलब आना बेकार हुआ ना। बिल्कुल भाई यार, कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ आने का। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि हम यहाँ आए, और देखो आप ताला लगा हुआ है। लेकिन कौन है भाई? भाई ऊपर देख, अरे हवा भाई जो चीज है ना वो हमें साइन दे रही है प्रॉपर तरीके से बार बार कि यहाँ पे भाई। यहाँ पे कुछ है दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे आप ये चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मगर बार बार ना कुछ भी किए भाई, तो कोई तो हमारे आसपास इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है भाई। बिल्कुल हुई तो है यार आसपास, अपन इधर देख के आ जाते ना। अच्छा कोई है क्या यहाँ पे? भाई हवा की स्पीड भी यहाँ से जा रहा है ना, ऊपर देखना उतनी भी हवा की स्पीड बढ़ रही है भाई। मैं बोल रहा हूँ एक बार इधर देख के आना पड़ेगा भाई, आ तो इधर। चलो भाई देखते हैं यार। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बात ये कि मेरा ना मैंने बोला था जब मैं गाड़ी रोकी भाई कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है। हाँ भाई मैंने बोला था उस टाइप से, मुझे लग रहा है कि हो ना हो कुछ तो रोड पे गड़बड़ है भाई। देखते हैं यार भाई क्या है क्या ना है। ओए ओए अबे भाई पीछे, भाई मैं तो बोलता हूँ यार यहाँ रुकना है ना, ठीक नहीं है यार। हवा जैसे ही, हवा की स्पीड कितनी भयंकर हो गई है यार, लग रहा है तूफान आने वाला है भाई यहाँ पे। पंकज क्या क्या हुआ भाई? दोस्तों जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो हमें साइन दे रही है ना पंकज। हाँ यार, हर तरीके से हमें एहसास दिला रही है कि वो हमारे इर्द गिर्द है। पंकज साइड में देखो, चारों तरफ नजर रख भाई। ठीक है भाई। पंकज क्या करे भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। यार मेरे को एक बात बता, क्या इधर हवा नहीं चल रही है? इस साइड बिल्कुल हवा नहीं चल रही है भाई, और उधर ना कैसे है वो, इस पेड़ को देखो आप हिल रहा है पूरा। बिल्कुल भाई इधर कुछ भी वो इतनी तेज हवा नहीं चल रही है भाई, आसपास के पेड़ों को देख सकते हो। अरे ये पत्तियां दिखा दे, ये देख, ये देखो ये, ओए दिख दिख दिख, ओए ओए बोले ये गाड़ी गाड़ी निकल रही है पत्तियों के पास को देखा तुमने? अबे हाँ, उसके पास जैसे गए ना भाई, इतनी तेज हवा चलने लगी यार। जा जा हम जा रहे हैं दोस्तों, वहां के पेड़ ना ऐसे से हिल रहे हैं भाई। मैं तो बोलता हूँ निकलो यार। तो सही भाई, उस साइड कर, तो आवाज सुन दे। आवाज तो आ रही है यार है? आवाज तो आ रही है भाई, पता नहीं भाई कुछ है उधर यार। मुझे भी लग रहा है यार कुछ है उस साइड। निकलते हैं यार, है ना भाई, बंद करो निकलते हैं यार, गाड़ी स्टार्ट करो यहाँ से। पंकज यार मैं दिल नहीं मान रहा भाई, गाड़ी से देख के एक बार। चलो भाई चलते हैं यार। पेट तो दोस्तों अब हम गाड़ी से देखते हैं क्या बला है ना। हाँ यार भाई, हाँ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तो टेंशन ना ले यार। रोड पे ड्राइव करना ना महंगा ना पड़ जा रहा है। ए
खाली पड़ा हुआ है ना पूरा। रियल लोकेशन थी और आपने जो अनुभव किया मेरे साथ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा कि वाकई में ऐसी जगहों पे जाओ और इस टाइप के अनुभव करो तो अब मतलब हर चीज़ बदल जाती है ऐसे टाइम पे। और शायद हमारा सही डिसीजन रहा है, जहाँ जहाँ हम चल रहे थे वहाँ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हवा कैसी चल रही थी भाई, ऐसे मतलब ऐसे हिल रहे थे पेड़। हो सकता है कैमरे में कम दिखे लेकिन हमने आँखों से जो देखा वो हम जानते हैं भाई। तो ये वीडियो का एपिसोड कैसा लगा बताना, और इसको आप बोलोगे तो 2-3 लोगों के साथ वापस विजिट करेंगे और फुल आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।